टाइम हो गया नमाज का, अभी मैं उठ के नमाज पढ़ती हूँ, ये लोगों को भी उठाती हूँ क्योंकि ये लोग सोए रहते, फ़ोन करूँ क्या करूँ। अच्छा चलो मैं खैर उठाती हूँ। हाँ तो मैं पहले सबसे पहले मैं उठाती हूँ मोमो को, तो फिर दूसरे बच्चों को उठाऊंगी कि बच्चे नमाज पढ़े। क्या करूँ इसको उठाऊँ कि ना उठाऊँ, ये नहीं है किसकी नींद ख़राब हो जाए तो उठ के फिर मेरे साथ लड़ाई करनी शुरू कर दे। मैं देखती हूँ अभी उठा ही देती हूँ, अभी नमाज का टाइम है, ऐसा तो ये नहीं उठेगी। मोमो उठ जा, नमाज का टाइम हुआ है। क्या है आप हर वक्त क्या, उठ जा नमाज का टाइम हो गया, उठ के नमाज पढ़ो, उठ जा, दूसरे बच्चों को भी उठा दे, उठा के नमाज पढ़ा। मैं जाने लगी, मैं नमाज पढ़ने लगी तो उठ जा। ये से आप पौधे ज्वाइंट फैमिली में सुबह सुबह आ जाती हूँ उठाने के लिए, इतनी नींद आ रही थी मुझे, अभी मैं सोई थी सारी रात, में जागती हूँ सुबह सुबह आके उठा देती है ऐसे, पता नहीं उसको क्या मतलब है। आप उठी रहो, दूसरों को आके डिस्टर्ब करना शुरू कर देती। अभी मैं पूरे घर को उठाऊंगी, देख जरा ऐसी पहले बंद कर दी, अभी देखो सबको मैं कैसे उठाती, जैसे ये मेरी नींद खराब करती मैं इसके बच्चों की नींद खराब करूँ, इससे मैं बदला लेके छोड़ूंगी। हाँ सबसे पहले इस मैडम को उठाती हूँ ना मैं, सबसे पहले जो मुझे आके उठाती है, खुद तो उठती है। देखो अपनी बहू कितने आराम से सो रही है, मुझे कैसे सुबह सुबह जगाने आ जाती हूँ, इसको तो मैं सुलाती हूँ। तुम्हारी सास ने मेरी नींद खराब कर दी, तुम यहाँ आराम से सो रही, चलो कितना बड़ी माँ किधर है, बाहर है, चल उठ जल्दी जल्दी से बच्चों का नाश्ता। तो आपकी बेटियाँ किधर है? मेरी बेटियों से तेरा क्या लेना देना, बच्चों का नाश्ता बनाओ, उन्होंने स्कूल जाना, उनका भी, और इसको भी उठा, चल शाम इसको उठा के लेके जल्दी से बाहर आ। जो छोटी माँ है ये तो मुझे सोने ही नहीं देती, इतना तंग किया उन्होंने, जल्दी जल्दी आती और उठा देती। बड़ी माँ वो मेरे जाने के बाद सासू माँ, वो नहीं मुझे कुछ भी कहती, जो छोटी है ना अब देखो क्या कहती है, देखते हैं। यार हद होगी, मैं कब से उठ के यहाँ बैठी हूँ अभी तक ये आई नहीं। शुमेला ओ जी जी, छोटी माँ आ रही, अभी अभी उठी थी, आ रही हूँ बस जी। छोटी कब से आपको उठा के आई मैं, और आप अभी आ रही, ऊपर जाओ मेरी बेटियां सो रही हैं, जाके प्यार से उनको उठा के नीचे लेके आओ जल्दी, अभी जा रही हूं, जल्दी जाओ, चलो शाबा। क्या मसला, ये लोग सोने भी नहीं देते, अभी बच्चों को उठाने ऊपर आई हूँ, इतनी ऊपर मुश्किल से सीढ़ियों पे आई हूँ, देखते हम सोना है क्या कर रहे हैं, अभी देखती हूँ बच्चों को भी है। क्या मसला है अभी, ये लोग अभी ना सोए हुए हैं, अभी सोना है ये बच्चियों। लीजा लीजा उठ जा भाई, स्कूल का टाइम हो गया तुम का, सोने भी नहीं देते हो, मम्मा को बताते हैं उठ जा ना स्कूल जाना है, मम्मा से शिकायत करते हैं, सोने भी नहीं देते आराम से, तो हमें अभी मम्मा से जाके शिकायत करते हैं, सोने भी नहीं देते, मम्मा इसको सिखा देती है। कौन नहीं सोने देता मेरी बेटियों को, किसने नहीं सोने दिया मेरी बेटियों को, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज संडे है? मैंने आपने मुझे कहा था कि उठा दे, मैंने इसलिए उठा दिया उनको, मुझे क्या पता संडे आज है। आपको याद नहीं था कि आज संडे, अगर मैंने बोल भी दिया था उठाओ तो आप ना उठाती उनको, चलो खैर मेरी शहजादियों कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग उठ गए तो अभी आप ये बताओ कि मेरी बेटियों ने खाना क्या है, संडे है तो आज आप लोगों को प्लान किया है संडे का, कहीं जाना है, घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी, क्या करना है? शॉपिंग तो नहीं, घूमने फिरने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, कहाँ जाएंगे मेरी बेटियाँ? जहाँ आप ले जाए,
बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह सुबह उठा दी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप दोनों बताओ कि आप दोनों कहाँ जाना चाहती हैं। आप दोनों चली जाओ, आप माशाल्लाह बड़ी हो गई, आप कहीं भी जा सकती हैं, शॉपिंग पे जा सकती हैं, घूमने जा सकती हैं, इसमें कौन सी बात है। चलो फिर ऐसे करो मेरा बेटा, आप लोग जाओ रूम में फ्रेश हो जाओ, तो डिसाइड करो कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। ओके मेरी जान, ओके मेरी शहजादी बेटियाँ, जाओ मेरा बेटा, हाँ जाओ फ्रेश हो जाओ। जब बड़ी बाइक जाएगी फिर आज इससे मैं बदली लूँगी कि कैसे मेरी बेटियों की नींद खराब करती, इसको पता था संडे मैं भूल गई फिर भी जाके उठा दिया, चलो खैर निपटूंगी आज इससे मैं। हाँ तो मैं जल्दी से तैयार हो गई हूँ, तो ड्राइवर जल्दी आ जाओ, जरा गाड़ी निकालो, मेरी मीटिंग में बहुत लेट हो गया, जल्दी करो जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ मामा जी उठ गई आप? हाँ जी मैं उठ गई, आप कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार? मेरी आज मीटिंग है, कोई मेरी प्रॉपर्टी की मीटिंग चल रही, मैं उधर मीटिंग में जा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि ये आप हैंडल करो। इतनी सुबह सुबह मीटिंग? सुबह सुबह नहीं, 11 बजे मेरा टाइम है, तो अभी देखो 10 बजने वाले हैं, तो जाने तक भी टाइम तो लगेगा, तो आप ऐसे करना घर का कोई भी काम है ना तो वो छोटी बहू को उठा लेना, उठा के तो साथ आप भी लगना, खाना शाना बना लेना बच्चों के लिए, सब कुछ तैयार कर लेना, क्योंकि मुझे 1 घंटा लग जाएगा। किस किस साथ जा रही हैं आप? मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी, और किसके साथ जाऊंगी? ड्राइवर तो मेरे ख्याल में नहीं फ्री। आप ऐसा करें, वो मेरी बेटियों को आज छुट्टी है, उन्होंने ज़रा बाहर जाना, आप अपने बेटे के साथ चलिए। चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को बताती हूँ। अली 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 को जाओ, अली को उठा के लाओ, मोहम्मद को उठाओ, जाओ मोहम्मद को उठा के लाओ, अली को रहने दो, मोहम्मद को, चलो मोहम्मद का लाओ, मोहम्मद को उठा के लाओ कि मैं उसके साथ, फिर उसको बोलो आपकी मम्मा ने जाना, उनको लेके जाओ, ठीक है। वो मैं है अच्छा मैं उठ के आता हूँ, अभी जान आ रहा था, क्या मसला है? वो उन्होंने जाना है ना कहीं, उठ जा। अच्छा उठ जाता हूँ, क्या टेंशन है? वो बुला रही है, उन्होंने जाना है कहीं ना, वो कह रही है। अच्छा मस्तियाँ ना कर, अभी मेरे सोने से चुप कर जा अभी। यार अभी अभी मैं सोया था यार, मर्दी है तो उन्होंने भी आगे उठा दिए। हाँ जी मम्मा क्या हो भाई, किधर जाना है? मेरी बात सुनो, आप लोग हर वक्त सोते रहते हो, आपकी मिसेस को देखो वो सोती रहती है, आपके बच्चों को देखो वो सोते रहते, आपकी मम्मा की जरूरी मीटिंग है, उनके साथ जाओ, ठीक है। कहाँ जाना था? ये बात मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपका क्या मकसद है इसको कहने का? मेरी बात जब वो उठ के आ गए, ये बात नहीं है, जब वो उठ के आ गए, किधर आ गए, उठाने पड़ते हैं, उठते तो नहीं है ना। अच्छा आपकी बहू को भी, हमारी बेटियाँ सोई रहे तो कोई बात नहीं, अगर मेरे बच्चे सोए रहे तो वो मसला है। मैंने कुछ नहीं कहा, आप उसको साथ लेके जाओ। चलो शायद घर के आपकी वजह से उठाया मैंने। मेरी बात सुनो, वो ड्राइवर को भेजना गोश्त जो कुछ चीजें, चिकन मंगाना होगा जो कुछ मंगाना होगा मंगा लेना, खाना वगैरह हमने कर ले, हाँ हड्डियाँ वगैरह आपने तैयार करनी, ड्राइवर के साथ मेरी बेटियों ने बाहर जाना है आज संडे, जो मैं कह रही हूँ ना खाना बना लेना, होता था कि हमारे आज संडे को गेस्ट आ जाए तो आपने बिरयानी बना लेनी है साथ। अच्छा ठीक है, आप जहाँ जा रही हैं आप जाएं, अपना काम करें, जाके मैं देख लूंगी, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है। मैं ये क्या बात है, ये मम्मा हर वक्त हुक्म चलाती रहती है, ये वो है। बेटा आप टेंशन ना लो, वो बड़ी है, जैसे भी वो बात कर लेती है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आज मैंने उसकी जो है ना मौत का हाल करना, आज मैंने बहुत उसके ऊपर ड्यूटी लगाई है काम करने के लिए, ये बड़ी है बोलती तो कोई बात नहीं है। मोहम्मद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने जाना बाहर, मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग है, अभी मैं उधर जाना, मैं वहाँ से आती हूँ, अभी मुझे टेंशन मत दो, क्योंकि कुछ मेरी बातें होती फिर मेरे दिन में चली जाएगी। जब मैं उधर जाती हूँ आप गाड़ी स्टार्ट करो, वापस आते हैं तो फिर इसके साथ बात करें। चलो बेटा गाड़ी निकालो, इंशाल्लाह निकलते हैं, खरीयत से जाते हैं, खरीयत से आते हैं, अगर लेट भी होगी ना तो फिर आप उधर गाड़ी में ही ज़रा वेट करेंगे, कोशिश तो मैं करूँगी जल्दी ख़त्म करने की मीटिंग, अगर नहीं ख़त्म हुई तो, अगर लेट भी होगी तो कोई बात नहीं। शुक्र है कि चाल छुटी, मेरे ऊपर ऐसे रोक डाली जैसे मैं घर की नौकरानी हूँ। वाह आज मैं देखती हूँ कैसे ये मुझसे सफाई कर लेना, बिरयानी बना देना, ये कर देना, वो कर देना, मेरा करता है टेंगा, इसकी बहुत से सारे काम आज मैं करवाऊँगी, देखना कैसे करवाती हूँ। बुलाती हूँ इसको ज़रा, इससे भी मैं पूछती हूँ। शमेला ओ शमेला इधर आओ, बात सुनो जल्दी करो, आओ जी बैठो यहाँ। मेरी बात सुनो,
घर की सफाइयाँ, बर्तन, किचन नीट क्लीन, और कपड़े भी आपने धोने हैं, खाना भी बनाना है। हाँ, आपकी सासु माँ का आर्डर है कि आज आपने बनानी है पुलाव, तो ध्यान रहे कि स्पाइसी हो, जली उली जुली ना हो, और अच्छे से जल्दी जल्दी ये चुटकियों में सारे काम फिनिश करो उनकी आने से पहले पहले, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और आप कभी इधर तो कभी इधर पे भी हो, ठीक है? क्योंकि मेरी बेटियों ने जाना है बाहर, अभी मैंने उनकी तैयारी देखी, वो तैयार हो गई है कि नहीं, मैं ज़रा बिजी हूँ, और आप जो सारे काम करके और आके मुझे बताओ, ठीक है? चलो चलो शापा मिनट जा रही हूँ। मेरा शहजादा भी उठ गया, इधर से पप्पी दो, मेरा सबसे छोटा और लाडला बेटा उठ गया। मेरा बेटा क्या खाता है? पिज्जा खाता है, बर्गर भी खाता है, डबल रोटी भी खाता है। अभी मेरे बेटे ने क्या खाना है? सबसे पहले डबल रोटी खानी है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो है ना भाभी, उसके पास जाओ, उसको बोलो मेरे बेटे को डबल रोटी दे दे, ठीक है? जा लेके मेरे पास आ जा, जल्दी जा मेरा शहजादा, जा मेरा शहजादा बेटा। मेरे बच्चे इतने लाडले हैं, सुबह सुबह मेरी बेटियों को जगा दिया, शुमैला मेरे बेटे को डबल रोटी दे दो जल्दी से, पहले उसको डबल रोटी दो, बाद में बाकी काम करना। हाँ चलो शाबा, हम हो गए हैं रेडी, लेट्स गो, चलते हैं। कोई मुझे काम याद आ क्या? उनको अभी बता। ये क्या कर रही हो? एक लड़ा की डाली जा रही है। ये जिसने हमारी सुबह नींद खराब की थी उसको सारा दिन आज काम करना पड़ेगा, अब आएगा मजा। चलो अब मम्मा के पास चलते हैं। चलो चलो चलो। मम्मा मम्मा हम रेडी हो गए। मेरा बेटा किधर जा रहे हो रेडी होके? मम्मा जी हमने बोला तो था आज हमने वाइट डिनर करने जाना है। तो बेटे डिनर तो रात को होता है ना, अभी तो 11-12 का टाइम हो गया है, तो अभी हमने शॉपिंग मॉल जाना था, थोड़ी शॉपिंग करनी। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो है गाड़ी लेके गई है बाइक, उसको आने दो तो फिर आप चले जाना। मम्मा जब भी हमने जाना होता है बड़ी मम्मा बाहर होती है गाड़ी लेके, अब हम कैसे जाएंगे? अब मैं क्या करूँ, उसके काम ही नहीं खत्म होते, कभी उसका ये काम है कभी वो काम है। आप लोगों को पता है उसने आज मुझे क्या कहती? क्या कहती? मैं जा रही हूँ घर के सारे काम करवा लेना, खाना बनाना, सफाई कराना, बर्तन धोना। मैंने कहा वाह, मैंने कहा देखो तो जरा, मैंने उसकी बहुत है, मैंने कहा चल सारे काम आज कर दो ना। हाँ मेरी बेटियों की नींद खराब कर दी सुबह सुबह। आप ऐसा करो मेरी शहजादी, आप लोग थोड़ी देर बैठो, ड्रामा श्रामा देखो, ठीक है? उसके बाद वो आती है, मैंने तो बहाना किया था, मैंने ड्राइवर को जाने नहीं दिया उसके साथ। कहती ड्राइवर आओ, मैंने ड्राइवर को, मैंने कहा तुम ड्राइवर क्यों, अपने बेटे को लेके जाओ, मैंने बदला ले लिया आप लोगों का। मैंने कहा उसने आप लोगों की नींद खराब की, मैंने भी उसके बेटे को पाया, मैंने भी उसको लेके जाना। तो अब वो आती है तो आप लोग ड्राइवर के साथ चले जाए, ठीक है? इतनी देर आप लोग जाओ, कोई रेस्ट करो मेरी बेटियाँ, ठीक है? आज मैं घर पर, आज आप लोगों को कोई काम भी नहीं करना पड़ता, वैसे भी मेरी बेटियाँ करें तो वो किस लिए, ठीक है? वैसे मेरी बेटियां क्या कर रही हैं? वो हम डिसाइड कर रही थी हमने बाहर जाके क्या क्या करना है। वाओ मेरी बेटियां, आप लोग तो मुझ पे ही गई हो। ये देखो ना कैसे खलारा डाला मैंने उसको, किचन में लगाया हुआ है ना, सफाइयां करवाई है उससे, अभी खाना बना रही है, फिर बर्तन धोएगी, अब ये भी उसी से करवाऊंगी, ठीक है? आप लोग आराम स्कूल से बैठे रहे, मैं उसको बुलाती हूँ, ये वही करेगी। शमैला ओ शमैला, अभी आ रही हूँ। अभी पता नहीं क्या मुसीबत है, अभी अभी मैंने बिरयानी बनाई है, तो अभी पता नहीं इनकी बच्ची है। अभी आज बड़ी मम आती है ना बड़ी मम्मा, तो मैंने तो उसको बोल देना कि क्या मुसीबत है ये, मैंने सब कुछ बता देना उसको। हाँ जी बात सुनो, किचन में क्या क्या कर लिया आपने? मैंने खाना बना लिया, बिरयानी भी बना ली है। अच्छा भी सब। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सफाई करो जल्दी से, मिनट लगाओ, ये जो सारे कपड़े शपड़े पड़े ये उठाओ जल्दी करो, चलो ये सफाई करो। अब मजा आया इसे? मेरी बेटियां शहजादियां शहजादियां। ओए मम्मा तो आ गए।
हाँ तो मैं आ गई हूँ वापस। अभी देखते हैं इन लोगों ने घर में क्या किया है, क्या पकाया है, क्या काम किया है। मुझे लग तो नहीं रहा, अभी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आ गई हाँ मैं अभी आ गई। क्या हुआ काम का जहाँ गई थी? काम तो बहुत मुश्किल है, अभी तक काम कोई फिनिश नहीं हुआ। बहरहाल आपको मेरे मसलों में बोलना नहीं चाहिए, पूछना नहीं बोलना चाहिए। अब घर में गाड़ी एक है, गाड़ी आप लेके चलिए। ये बात नहीं है, काम करके आ गई। मेरी बेटियों ने बाहर जाना था, बाहर जाना था, अभी आ गई, तुम्हारी बेटियाँ चली जाएंगी। तो ये नहीं है मेरे मसलों में, आप छोटी है तो छोटी रहा करो, ठीक है? मेरे मसले में ना बोला करो कि आप क्या करके क्या। मैं आपको बता के गई थी कि मेरा कोई प्रॉपर्टी, आपने कहा था मैं घंटे में आ गई, घंटे में आ गई हूँ तो मैं शाम करके आई। तो मेरा कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था उधर, मेरा इतना रखना बना हुआ है। आपको सिर्फ यही पता कि आप घर में क्यों आई है। लेकिन जब भी मेरी बेटियों ने कहीं जाना होता तब भी आप लोग पहले गाड़ी लेके निकल जाते लेकिन आज के बाद जो है ना पहले वो ही जाएंगी। मैं बता दूँ कोई बात नहीं, आपकी लाटरियाँ चली जाएंगी। तो घर में क्या बनाया, कोई काम खाना सारा बनाया? हाँ मैंने बिरयानी बनाई है, जैसे कि आप मुझे बोल के गई थी मैंने बिरयानी बनाई है, सफाइयाँ करवाई हैं, बर्तन शर्तन सब कुछ पूरा घर में। तो सबने बच्चों ने खाना खा लिया कि नहीं? वेट नहीं, अभी तक किसी ने भी नहीं खाया, सब वेट कर रहे। चलो मेरी बेटियाँ तो कह रही थी उन्होंने बाहर जाना, आप उनसे पूछती वो जाएंगी। तो दूसरे बेटे हैं और अली है, ड्राइवर है मोहम्मद आया अभी, तो हम लोग तो खाएंगे। शमेला है, शमेला को तो नहीं कुछ कहा अपने पीछे की बात थी? नहीं मैंने उसको क्या कहना था, वो आपकी बहू, मेरी जरूरत है कि मैं उसको कुछ कहूँ? चलो मैं उसको कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि वो बेचारी डरती है, आपकी शिकायतें नहीं लगाती कि आप उसके साथ कुछ कर भी लेती ना, वो खामोश रहती है। तो देखते हैं आप। मैं करती हूँ उसके साथ सारा दिन, मैं काम कर करके मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने उसके साथ क्या करना? शमेला को बोलो खाना लगाए, आप भी जाओ खाना लगाओ, क्योंकि मैं नहीं बोलती, मैं किसी के मुँह नहीं लगना चाहती। ये जी बनी हुई है बिरयानी, तो लग तो बहुत मजे की रही है, अभी खाएंगे तो पता चलेगा कैसा टेस्ट है। बहुत मजे की बनी, किसने बनाई है? मैंने। अच्छा मोमो तो कह रही थी मैंने बनाया, सारा काम मैंने किया। मोमो ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बैठी रही बेटियों के साथ गप्पे लगा रही थी। अच्छा तो बिरयानी भी मैंने बनाई है, सफाइयां मैंने की, बर्तन मैंने धोए, सब काम किया। उसने बोल के, उसने बोला था कि आपकी बड़ी मम्मी आए, मम्मा गई बाहर कहीं गए थे आप, तो मैं तो किचन में थी तब। तो उसने बोला कि वो कह के गई सारा काम आप नहीं करते। देखो ना कितनी कितनी झूठी है, क्यों उसने ऐसे झूठ बोला? मुझे कह रही घर के सारे काम मैंने किए हैं, मैंने खाना बनाया, मैंने ऐसे किया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जो अगर उसने नहीं किया तो उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जो बुएं होती हैं ये नहीं कि उससे सारा काम करवाएं, उसको भी थोड़ा सा बेटियों को भी साथ लगाती, जो खुद होती वैसे बहुत उसने अच्छा नहीं किया। ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुओं के साथ बेटियों जैसा सलूक करना चाहिए। ये नहीं है मैं घर में नहीं, तो उसने सारे काम इसे नहीं है। मैंने उससे तो कोई बात नहीं की, मैंने कहा चलो मम्मा आएगी उससे बताऊंगी सब कुछ, ऐसे ऐसे काम उसने कराए मुझसे ना, तो आप खुद आप ही बात करना ना, मैं तो अच्छी नहीं लगती। चलो इंशाल्लाह उसके साथ अभी उसके साथ मसला ये करेंगे, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए दूसरे के साथ। फिर हमारे पास और भी छोड़िया दो तीन आई है। मोमो तो फिर बड़े ज्यादती कर रही है। मोमो के, मोमो तो जालिम औरत है, बहुत जालिम औरत है। उसको पता था ना पीछे ये केली है इसलिए। आप तो चले गए दोनों। जी व्यूवर्स, ये हम सब ने आपके लिए बनाई थी एक सीरीज, हमारे पास ये स्टोरी आई थी, जैसे कि आंटी ने भी इसमें यानी कि रोल निभाया, सब ने निभाया अपना अपना किरदार, तो मैं इसका डायरेक्टर था, बाकी ये आपसे बात करेंगे। और ये कैमरा मैन भी था। हाँ मैं कैमरा मैन भी था, असल कैमरा मैन भी था। और ये जो स्टोरी हमारे पास आई थी, ठीक है, घर में जो ज्वाइंट फैमिली होती है यानी दरानियां जिठानियां दोनों फैमिलियों के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों से नफरत करती हैं, कुछ प्यार करती हैं, और कुछ बहुएं लेके आती हैं और बहुओं के साथ ऐसे बिहेव करती हैं जो कि नहीं करने चाहिए। हमें बहू को भी अपनी बेटी इन शहजादियों की तरह रखना चाहिए, जैसे ये दो शहजादियां थी आज बनी, वैसे बेटियां तो शहजादियां ही होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किसी की दिल आजारी करने के लिए नहीं था, सिर्फ सिखाने के लिए था कि आप ऐसे बिहेव ना करें, जो बहू लेके आते हैं उसके साथ भी अपनी बेटी की तरह बर्ताव करें, और अपनी बेटियों को सबको मिलजुल के घर में काम भी करना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों बाजी? ऐसे ही होना चाहिए कि बेटियों को भी, बहू को भी अपनी बेटियों की तरह रखना चाहिए। तो ये नहीं कि बेटियों को प्यार करो और बहुओं को काम करवाओ,
ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आज मैंने करवाया दिखाया, इसलिए इसलिए हमारे से इसलिए डांट की बहू से मेरी बहू से काम करवाया। बड़ा एंजॉय किया हमने जब हम ये ड्रामा कर रहे थे, काफी हंस खेल रहे थे। फिर मैं तो कह रही थी कि भाई जो भी सीन करना जल्दी करो, मुझसे ज्यादा खड़ा नहीं होया था। इसमें बिहाइंड द सीन भी है ना, बताने जाती थी ना कि भाई अब ऐसे करो अब ऐसे करो, इनको साथ साथ ये भूल जाते थे कि अब क्या करना है, आओ मुझे हमें बताओ। फिर मैं बता क्या थी, मेरा सीन तो ज्यादा बैठने का ही था, मैं सोफे पर बैठी रही हूँ, लेकिन इनको बताने के लिए मैं जाती थी और खड़ी होती थी। वो चीज जो थी ना वो मैं उसमें तंग हो रही थी, लेकिन हमने एंजॉय किया। बाजी बाहर गई गाड़ी में है, चक्कर निकाला फिर वापिस, कैसा लगा अभी तो और बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों को पसंद आया। लेकिन हमने थोड़ा शेयर करना, पता क्या होता है इस तरह इंसान के जैसे को और स्टोरियां आती है, हम इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे और हम तो अगर थोड़ा सा बंदे का जो हौसला बढ़ जाता है कि हमें कोई शेयर और लाइक कर रहे हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और कुछ तो भाई इन बच्चों का किरदार भी आप सब ने बताना है कि आपको हरून कैसा लगा, अलीजा मनाहिल शायदा ये सब कैसे लगे। और जो कल आएगा ड्रामा उसमें मैं भी आऊंगा, अब मैं भी किरदार निभाऊंगा। हमारे पास स्टोरी आई है तो नेक्स्ट उस ड्रामे में भी आएगा। लेकिन तो वो मैं ना अपनी आंटी की तरह बड़ा रोल करूंगा, छोटे मोटे रोलों से मैं खुश नहीं होता। कल हम सोकन का रोल, कल हमने सोकन का रोल देना है उसमें मैं आऊंगा। बड़ी मैं छोटी लाडली नहीं, अक्सर बंदे जो दूसरी शादी करते हैं अभी नहीं बताना, जो बाद में लाडली होती है ना, फिर फफे कुटनी हो रही हमारे पास देख रहे कुटनी अब कल को फफे कुटनी और हाँ जी, और आप सबने बताना कि आप सबको किसकी एक्टिंग कैसी लगी, किसने सही परफेक्ट की, हाँ वो बतानी है। तो आपने ये कमेंट्स में बताना है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें और देखते रहे। अब हम लोग ऐसे ड्रामे बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे इजाजत इजाजत आज के लिए, बाय बाय, बाय बाय।